निकाल के आएंगी, उसको जेल में भेज दो, उसके मंत्रिमंडल को जेल में भेज दो, उसको कहीं भी भेज दो, दिल्ली केजरीवाल के साथ है। लेकिन केजरीवाल से गंदा इंसान आज तक राजनीति में ना कोई है ना कोई आएगा। जो अपने बच्चों की, आप बच्चों की कसम खा लोगे, उन्होंने बच्चों की कसम खाई, ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा। ना मैं इंडिया को जानता हूँ ना मैं इंडिया को जानता हूँ। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए अभी जो प्रॉमिस कर रहा है उनकी पॉलिसीज पढ़ेंगे भाई, क्या पॉलिसीज है, कौन क्या करने के लिए बोल रहा है, तब उसके बेस में तो वोट दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आप देख रहे हैं हमारा शो किस्सा कुर्सी का, और आज हम लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से जानेंगे 2024 में किसका मूड है और किसकी सरकार चुनना चाहते हैं, एनडीए या इंडिया। और चलते हैं और लोगों से बीच में बात करते हैं और जानकारी लेते हैं लोगों से, वो अपनी राय क्या रखते हैं सरकार के बारे में, विपक्ष के बारे में, और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पे उनकी राय क्या रहती है। लक्की लक्की जी, क्या करते हैं? मैं डिलीवरी बॉय हूँ। 2024 का चुनाव हमारे सर पे है जैसा कि हम जानते हैं, तो इसमें आप किसको देखना पसंद करते हैं दिल्ली की गद्दी पे? दिल्ली की गद्दी पे तो भाई मोदी जी आ जाए तो अच्छे बात है, वरना योगी जी आए। हाँ जी, हाँ जी, योगी जी। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी की वजह से, जब से ये मोदी जी सत्ता में आए हैं, तो यहाँ पे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी किया गया है। सब झूठ है, सब झूठ है। भाई जहाँ मोदी जी है ना, बहुत बढ़िया अपनी जगह, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, योगी जी, मोदी जी, बस अदरवाइज कोई भी नहीं। कौन सी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सारी का ए टू जेड सब कुछ, सरकारी नौकरी तक का। सरकारी नौकरी तक का हमने भर्ती मारी, नंबर नहीं, हमारी किस्मत है, पर सबका लाभ मिला, सबका लाभ मिला। मतलब 24 में आप सिर्फ मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहता चाहता हूँ, केजरीवाल को जेल में भेज दो, कहीं भी भेज दो। आप बोल लो, आप बोलिए। सातों सीटें दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन की आएंगी, केजरीवाल की आएंगी, उसको जेल में भेज दो, उसके मंत्रिमंडल को जेल में भेज दो, उसको कहीं भी भेज दो, दिल्ली केजरीवाल के साथ है, पूरी दिल्ली केजरीवाल के साथ है, दिल्ली पूरी केजरीवाल के साथ है। लेकिन जो शराब घोटाले हुए हैं उसमें पुख्ता सबूत पाए गए हैं, सबूत मोदी के खिलाफ मिले हैं। एक्ट्रल बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वो पेपर खुले तो सबसे ज्यादा जो घूस ली गई है एक नंबर में दिखा के, वो मोदी ने लिए, वो नड्डा ने लिए, वो सारे बीजेपी के खाते में गए पैसे। और बोलो, मुझे ये बताओ, जो मनी ट्रेल की रिंग, वो बता रहे थे कि रील मिली है, कहाँ मिली है? वो सारी जो रील मिली है वो बीजेपी के खिलाफ मिली है। वो सारे पैसे मिले, ये 56 करोड़ रुपए सेड्डी ने दिए गिरफ्तार होने के बाद, उसके बाद में एक हफ्ते बाद उसको बेल मिल गई। क्या है ये? यही डेमोक्रेसी है देश के अंदर? डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी की बात कर, उसी आंदोलन से आज के करीब 10 से 15 साल पहले श्री आपके जो माननीय हैं अरविंद केजरीवाल जी भी उसी आंदोलन से निकले हैं। आइए, फिर क्या गुनाह किया उन्होंने? अच्छा कर रहे हैं, सारे देश में सरकार आने वाले 15 साल में कम से कम 15 स्टेट केजरीवाल के पास होंगे। 15 साल, ये नोट कर लो आप, 15 स्टेट केजरीवाल के पास होंगे आने वाली है। 15 साल में इससे चोर इंसान नहीं है। लोकपाल लेके आया क्या? कहाँ है लोकपाल? दिल्ली के लोगों से बोलो। अरे मैं दिल्ली का, मैं प्रॉपर दिल्ली का हूँ, मैं प्रॉपर दिल्ली का हूँ, भवाना का। मैं चश्मा लगा, चश्मा कहाँ है मेरा? चश्मा लगा मोदी का। अंध भक्तों का देश में कोई इलाज नहीं है। अरे सुनो, अरे उस सुनो, आप मुझसे बात मत करो। जो अन्ना हजारे फौजी था उसने उसका धोखा दे दिया। बात सुनो, अरे बात सुनो, अन्ना हजारे तो उसका दिमाग यहाँ है, 7 साल से कहाँ है वो? उसका दिमाग 7 साल से कहाँ है वो? दिमाग यहाँ था, उसका छाती को टूटा था वो 2014 के बाद। कहाँ है वो? बैसाखी बनाया है, चल पे कर नहीं बैठा। अरे उससे बड़ा चोर कोई नहीं है, सबसे बड़ा चोर है केजरीवाल। आप कहते हैं 400 पार, इस बार 400। भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन केजरीवाल से गंदा इंसान आज तक राजनीति में ना कोई है ना कोई आएगा। जो अपने बच्चों की, आप बच्चों की कसम खा लोगे, उन्होंने बच्चों की कसम खाई, ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा।
अपना घर बना लिया, टेंडर डाला 10 करोड़ से ऊपर का, जो कि उसमें क्या नाम है ओपन करना पड़ता। ये हर एक चीज को त्रोड़ मरोड़ के पेश करता है, इससे झूठा इंसान, इसकी पार्टी से झूठा इंसान कोई नहीं है, खाली ये ड्रामेबाज इंसान है। दिल्ली का नाश कर दिया, विनाश कर दिया इसने। लेकिन इन्होंने कहा है कि FIR करवाई है कि हमारे विधायकों को 25 करोड़ में खरीदा जा रहा है। जो पहले बोलता था ईडी कुछ नहीं कर रही, किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही, अब ईडी कर रही है तो ईडी के ऊपर सवाल उठा रहा है। पहले बोलता था ईडी अगर कोई FIR हो जाए तो ईडी उसको जेल के अंदर क्यों नहीं ठोक देते, अब ये इसको ठोक दिया, इसको ठोक की बात। सर आप 2024 में किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी के अलावा और कोई? और कोई है ही नहीं दम में, कोई भी नहीं है विपक्ष में। यहाँ पे तो एक अलायंस भी बना है, इंडिया अलायंस, इसके बारे में आप क्या? उनमें अभी भी एकता नहीं, तो आगे क्या एकता होगी, इसके आगे क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं इनसे। आपको किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? किसी का भी नहीं। तो फिर इतना प्यार मोदी सरकार पर क्यों? मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं देश को लेके, विदेश को लेके, काफ़ी अच्छी हैं। अभी आपने सोनम वांगचुंग का वीडियो देखा था, जिन्होंने लगभग आज 20 से 22 दिन तक भूख हड़ताल किया था, वो भी तो लद्दाख को लेके प्रोटेस्ट किया था, उसमें कहाँ थी मोदी सरकार की नीतियाँ, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देश में बहुत सारे इशू होते हैं, अलग अलग एरिया के, अलग अलग लोगों के अलग अलग इशू होते हैं, सारे इशू एक साथ रिजॉल्व नहीं किए जाते, हर इशू को रिजॉल्व होने में टाइम लगता है। सरकार ने ये भी वादे किए थे कि देश से नक्सलवाद ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन आए दिन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और इसके बाद तमाम भारत के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आज भी नक्सलवाद जिंदा है, इसके ऊपर आप कुछ क्या करना चाहेंगे? पहले के मुकाबले कितना कम हुआ है, इस बात पर गौर करेंगे आप? पहले कितना था? पहले देश में हर दिन हर शहर में बम विस्फोट और सब कुछ चलता रहता था, अब क्या हो रहा है? अब काफ़ी कम है, किसी जगह आपको बम विस्फोट दिखाई देता है? नक्सलवाद की कितनी घटनाएं पहले होती थी, हर महीने अखबार में एक नई न्यूज आती थी, अब कई कई महीने बाद साल में एक दो बार ऐसी न्यूज आती है। पहले के मुकाबले कम हुआ है, एकदम चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, टाइम लगेगा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग जो 100 मामले औसतन आदिवासी महिलाएं यौन उत्पीड़न का दर्ज कराती हैं, उसमें से सिर्फ 15% ऐसे मामले होते हैं जिसका निस्तारण होता है, जिस मामले में सजा होती है। इस मामले में सरकार की नीतियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है बहुत ही लथिक है मेरे हिसाब से। एक एक मामले को निपटाने में 20-20 साल तक लग जाते हैं, मामले कोर्ट में अटके रहते हैं, इसमें एक गवर्नमेंट चाकर भी इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं कर सकती। पिछले कुछ महीनों के अंदर जैसा कि चुनावी बॉन्ड का मामला गरमाया, इसमें बहुत सारे आरोप लगाया विपक्ष ने सरकार के ऊपर, उसमें कुछ नाम तो ऐसे भी आए, कुछ कंपनियों ने ऐसे भी बीजेपी को डोनेशन दिया जो खुद भी पहले से ही घाटे में चल रही थी, इसके बारे में आपका क्या कहना था? ये इन्वेस्टमेंट था या डोनेशन था सरकार के लिए? या इस तरह के डोनेशन सारी बैंक उन्होंने लिए हैं, सारी पार्टियों ने, अगर वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं तो ऐसी पार्टियाँ डोनेशन को वापस कर दें। लेकिन इसमें तो भाजपा की से जब कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने तो कोर्ट का हवा कानून का हवाला देकर उन्होंने तो कोई डेटा दिया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ना, जब तो दिया ना। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के दायर करने के बाद ही इन्होंने एक कानून का हवाला दिया और इसके बाद इन्होंने कहा कि हम इसकी कोई भी जानकारी जो है सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। कुछ रीजन होते हैं, कोई डोनेशन देने वाली पार्टी या कंपनी होती है उसको मालूम है, कल को हम अगर गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी केंद्र सरकार में नहीं रही तो कल को उसके साथ दिक्कत भी हो सकती है, दूसरी दल जो है उसके साथ दिक्कत खड़ी कर सकते हैं कि इन्होंने हमको डोनेशन नहीं दिया, इसलिए इसको सार्वजनिक करना इतना आसान नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आप अगर रहते हैं तो उसके मूल्यों और भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हम इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं तो जहाँ सबको एक समान अधिकार देने का बात करता है तो उस राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत तो लोगों को ये भी जानकारी हासिल करने का अधिकार रहता है कि हमें हमारी जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, उनको कहां से पैसा मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, सबको जानकारी रखने का हक होना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? 8।
दो क्यों नहीं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं, जब वो रिजॉल्व हो जाएंगी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। सर 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं? 2024 में मैं मिली जुली सरकारों को देखना चाहता हूँ। मैं कारण जान सकता हूँ इसका? हाँ कारण बिल्कुल, क्योंकि मिली जुली सरकारें होंगी तो सभी के हितों को ले करके चल पाएंगे। नहीं तो क्या है कि तानाशाही डिक्टेटरशिप जैसा रवैया जो है एक सरकार, लोकतंत्र में मिलीजुली सरकारों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी देश की जनता को आगे ले जाने के लिए, देश के हितों को सोचने के लिए। जहाँ की पूर्ण बहुमत की सरकारें, उनका सिर्फ अपना मनमानी रवैया रहता है, जनता के हित पीछे छूट जाते हैं। वही कारण है कि जिस कारण से बेरोजगारी, महंगाई और सारी चीज़ें जो देखने को मिल रहा है वो सारी उसी का कारण है। 70 के दशक में जब इन इमरजेंसी का दौर लगा तो उसके बाद जनता पार्टी की जब सरकार बनी देश में, मिलीजुली गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन आप जैसा कहना चाहते हैं कि हम गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन चला नहीं, तो क्या अगर मिलीजुली सरकार बनती हो तो क्या पूरे 5 साल पूरे कर पाएगी? देखिए मिलीजुली सरकार बनती है पूरे 5 साल कर पाए अथवा ना कर पाए, क्योंकि वहाँ पर बाकी पार्टियों के अपने अपने व्यक्तिगत हित भी वो ले आते हैं जनता के हित से ऊपर उठ करके। लेकिन जितने दिनों तक भी कार्य करती है मिलीजुली सरकारें वो बेहतर कार्य करती हैं। जैसे बीपी सिंह के समय में ही सरकारों ने काम किया, मंडल आयोग आया और बहुत सारी चीज़ें आई जिसका पब्लिक को बहुत बेनिफिट मिला है ना, तो ये कारण है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। 24 का रण सज चुका है, हमारे साथ हमारे बीच में चाचा हैं। एक बड़ा संघर्ष होता है दैनिक जीवन में लोगों का, एक घर चलाने के लिए दो जून की रोटी के लिए कितना संघर्ष होता है। आइए सर से जान, सर कैसा धंधा चल रहा है आपका? धंधा बहुत कम चल रहा सर, बेटी बोला हम लोग को सब जान मार दिया, मुंह से रोटी छीन लेता है। हम बताते हैं 20 में होता है ज़्यादा, जो धंधा 10 में भूखा कोई रोज सोना पड़ता है, ऐसा ना बिता गया, क्या करें। बेटी बोला सब काट लिया पैसा, बेटी बोला मुँह से रोटी छीन लेता है, बैठा हुआ सवारी उतार लेता है। बहुत बुरा हाल है सर हम पैदल वाला को। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 5 साल से 6 साल से 5 साल से ये चला रहे हैं जी। मतलब ये 2024 में सरकार किसकी आने वाली है, इस पे आपके कुछ सलाह? सर मेरे हिसाब से तो मोदी सरकार आएगा सर। मोदी सरकार के किन योजनाओं का आपको लाभ मिला? हमको योजना मिला नहीं मिला, लेकिन देश के लिए भलाई हुआ, राम मंदिर बना, देश मजबूत हुआ, और पब्लिक को हमको भी थोड़ा बहुत मिल रहा है नमक रोटी, कुछ राशन फ्री कर दिया, कुछ किसान योजना दे रहा है, और अगला वाला सरकार से तो कुछ मिलता नहीं था, इसलिए अभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का हल्का मिलता है। मोदी सरकार और जो ध्यान दे दे बिहार में तो बिहार को धनकाना नहीं पड़ेगा, बहुत आदमी भटक रहा है दूसरे दूसरे देश में, विदेश भी जाना पड़ता है, देश तो छोड़ो विदेश भी जाना पड़ता है, वहाँ पर भी गालियाँ सुनता है बात सुनता है। यही मोदी सरकार कहते हैं कुछ बना दीजिए बिहार में, जो हम लोग बाल बच्चा, हम तो अब तो रिटायर होने वाला है, बाल बच्चा कुछ तरक्की करेगा, कुछ खाएगा कमाएगा रोटी रोटी मग रोटी। पिछले एक दशक में केंद्र में भाजपा की सरकार है और 2 दशक में भाजपा अलायंस के सहयोगी आपके नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो आप सबसे ज़्यादा MPs यूपी और बिहार जो है चुन के दिल्ली में भेजता है, लेकिन समस्याएं आपकी जस की तस रह गई हैं, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहते हैं सरकार को ऐसा बनाइए, काम आदमी दीजिए जो कि बिहार में काम करे। नीतीश सरकार भी काम किया, ऐसा बात की नहीं किया है, वो भी काम किया, रोड बनाया, बिजली दिया, घर दिया, दे रहा है सरकार, घर दे रहा है, लेकिन नौकरियां तो नहीं मिल रही है ना, आप भटक रहे हैं। नहीं मिला वो तो है सर, क्या करेगा, एक घर में 5 आदमी रहता है तो एक मालिक रहता है, 4 को खुश नहीं कर पाता है, उसको कुछ ना कुछ त्रुटि अपना घर में भी होता है, इसलिए हम कहते हैं मोदी सरकार को, मोदी सरकार भी कितना संभालेगा, लेकिन कुछ भी मिला उला के सरकार ध्यान दे बिहार में, जो हम लोग को कुछ रोटी रोटी मिल सके। दूसरे राज्य में है तो धमकाता है, अरे अपना राज्य में जाओ, हमारा ये हमारा राज्य है, हम लोग को जाकर भटकना पड़ता है। यही कहेंगे मोदी सरकार कुछ ध्यान दे बिहार में, बिहार में ध्यान दे सर। पिछले 2 दशक से भाजपा अलायंस की सरकार है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका, जो चीज़ पिछले 20 सालों में आपके राज्य में नहीं बदली, क्या आप अपेक्षा करते हो कि ये पिछले आने वाले मतलब 5 साल या 2 साल या 3 साल में बदल सकेगा बिहार में?
अब तो सरकार के ऊपर हाथ है सर, देखिए अभी तो कुछ कुछ सुधार रहा है। मास्टर नहीं था, स्कूल बना दिया था बिहार में, मास्टर नहीं था, अभी मास्टर दिया है, शिक्षक दिया है, कुछ कुछ प्रगति कर रहा है। जहाँ रोड का सकित था वहाँ रोड बना रहा है। नहीं तो अब हम कहते हैं सरकार से विनती करते हैं और थोड़ा बढ़ाए बिहार को, उन्नति करे जो रोजी रोटी चल सके गरीब को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष जी कहाँ से हैं आप? नोएडा से हैं। 2024 में आप किसको देखना चाहते हो? मोदी। ऐसा क्या है जो मोदी जी को ही आप पसंद कर रहे हो? जी बस मोदी जी बढ़िया हैं। मोदी जी बढ़िया हैं जी। कौन कौन सी नीतियों का लाभ मिला आपको मोदी जी का? देखो जी कोरोना काल में जो लाभ मिला है, राशन का मिला है, दवा का मिला है, सारी एसेंशियल सर्विस हैं वो दी हैं मोदी जी ने। हमारा पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा है यहाँ का। 2020 से 21 के बीच में जो कोविड रहा था, आपको पता है देश में ऑक्सीजन के लिए कितने लोग मर गए, ठीक है? कई वीडियोस भी ऐसी आई जिसकी आपने देखा भी होगा कि बच्चे तड़प रहे हैं, और लेकिन इनके आपके स्वास्थ्य मंत्री संसद में बयान देते हैं ऑक्सीजन की वजह से कोई मौतें नहीं हुई। तो अगर आप एक कारण ऑक्सीजन का रहा है, ऑक्सीजन की जो कमी पड़ी है, सिलेंडर 2-2 लाख 1-1 लाख का बिका है ऑक्सीजन सिलेंडर, जो 5000 रुपये में अब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। उस गैस सिलेंडर को पहुंचाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और तमाम ऐसे लोगों के ऊपर भी सरकार ने मुकदमा किया जो समाज सेवा कर रहे थे, इस पे आपका क्या कहना है? समाज सेवा बहुत संस्थाएं कर रही थी, एनजीओज जो हैं उन्होंने भी बहुत काफ़ी अच्छा सहयोग करा है, तो गवर्नमेंट हमारी अच्छी है। तो फिर मुकदमे क्यों? मुकदमे तो जी ये विपक्षी जो दल हैं ये करवाते रहते हैं, और ये कर दिया, यहाँ दंगा कर दिया, वहाँ दंगा कर दिया। सरकार तो आपकी थी ना यूपी में, घरों के ऊपर मुकदमे हुए थे। सरकार ने तो हमारी ने बहुत सहयोग करा है हमारा, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो तो नहीं चैन से बैठने देते। अच्छा, मतलब सरकार होने के बावजूद आपके उसमें राजनीतिक दखल और प्रशासनिक दखल कहीं ना कहीं विपक्ष कर रहा है, आपका कहना है? जी हमारे बीच एक नए युवा हैं, आपका नाम क्या है सर? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र जी आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? 2024 में उसकी सरकार चुनना चाहते हैं जिन्होंने देश को अपना माना है, जिनका पहला मुद्दा प्राथमिकता जिनकी देश है, तो उनके बारे में। अब आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि देश के लिए इसमें कौन बात कर रहा है। कुछ लोग तो देश को तोड़ने की बात करते हैं, बोलते हैं कि हम खालिस्तानी को बना देंगे और अपने एक स्वतंत्र मतलब कि एक नए देश का निर्माण करेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी सरकार बनाएंगे, उसका प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ लोग ऐसा मुद्दे भी है, तो हमारा पूरी तरीके से जो फोकस है वो जो देश को प्राथमिकता देता है हम उसको प्राथमिकता देंगे, हम बीजेपी को सरकार बनाते हैं। जो कहते थे कि 2014 के बाद देश को असली आज़ादी मिली है, आपका उनके बारे में क्या कहें? वो लोग क्या बताएंगे, 70 सालों से वो जिसको गुलाम बना करके रखे हुए थे, देश के जो संपत्ति है उसको बेच खा रहे थे, और आज वो बोल रहे हैं कि 14 में सरकार बदली है, और तो फिर वो बताते हैं कि देश की आज़ादी छिन गई है, ये कह रहे हैं नया देश बन रहा है। वो नया देश नहीं बन रहा है, जो आपने बिगाड़ा था उसको बनाया जा रहा है, उस सुधरने में थोड़ा समय लगता है, अभी हम 10 साल और बीजेपी को देंगे। आपके मंडी से उम्मीदवार हैं कंगना रनावत जी, उनका एक बयान था कि 2014 के बाद देश को असली आज़ादी मिली है, इस पे आपका क्या कहना है? क्या 70 साल से भारत गुलाम था कि उसके पहले कोई ऐसी योजनाएं नहीं थी कि जो किसी के देश के लिए काम ना आए? पहली बात, जो भारत की जो आज़ादी और गुलामी की दोनों की बातें हो रही है, सबसे पहले मैं गुलामी की बात करूँ तो भारत दो चरणों में गुलाम था, एक तो मुगलों ने किया, फिर दूसरा अंग्रेज़ों ने किया, फिर नई गुलामी जो तीसरे चरण की आई वो कांग्रेस ने किया, और आज जब बीजेपी की जो सरकार बनी है, भारत का मुख्य जो चीज़ है, जो पहचान है, वो हिंदुत्व का है, हिंदुत्व से भारत है, हिंदुत्व से है, बाकी हमने सभी धर्मों को अपने यहाँ शरण दिया है, और जैसे अपने यहाँ कोई मेहमान आता है उसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं, उन सभी लोगों का सत्कार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दूसरे तरीके के जो लोग आते गए, भारत के संपत्तियों को अपना संपत्ति समझने लगे, उसके अतिरिक्त अगर कंगना रनौत जी ने कहा है कि भारत आज़ाद हुआ, तो उनका बिल्कुल कहना ये सत्य है कि भारत आज़ाद हुआ है, 14 में उन्होंने सरकार बदली है और भारत की पहचान को उजागर करने का काम किया है, तो वो अपने तरीके से बिल्कुल सही कह रही है। और कंगना रनौत जी के संदर्भ में लेते हुए मैं कुछ और चीज़ें कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ पार्टी के कुछ बेबोल जो नेता हैं उन्होंने कंगना रनौत जी को बोला कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, तो जो कि सरासर गलत है, एक नारी शक्ति का अपमान है,
भारत में हमेशा से नारियों का सम्मान होता रहा है और देखा जाए तो कितनी ढेर सारी वीरांगनाएं रही हैं जो भारत में उनके सम्मान पे ठेस पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पे लोग महिलाओं का सम्मान, जो अन्य पार्टियाँ महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं रहे हैं, वो महिलाओं का भाव पूछ रहे हैं। कहाँ से भाव पूछ रहे हैं आप? तो कंगना रनौत जी को हम लोग जिताएंगे यहाँ पे दिल्ली में और जिता करके उनको हम सांसद बनाएंगे। जैसा कि महिला पहलवानों का यौन शोषण हुआ, ठीक है, आपके पार्टी के ऊपर, आपके पार्टी के सांसद के ऊपर इस पे आरोप लगे, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आरोप लगना और आरोप का कंफर्म होना दोनों बहुत अंतर होता है, पहला चीज़। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी ने भी ऐसा किया है तो सजा प्रावधान बिल्कुल है और सबके साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा अन्य के साथ होता है, तो न्याय संहिता इसके लिए बनी हुई है, वो अपना काम करती है, जो भी जांचें करनी होती हैं सब कुछ न्याय के अनुसार है और संहिता बनी हुई उसके लिए, तो उस पर काम होता है, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, चाहे जो भी हो सबके साथ एक साथ व्यवहार होना चाहिए। शुक्रिया आपका। 24 के इस नए सियासी रण में मैं अपने दोस्तों के साथ और कई अपने व्यूअर्स के बीच में हूँ और उनसे मैं जानूंगा 24 में राय, उनका क्या राय है, किस मुद्दे पे वो इस बार वोट करने वाले हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अली है। तो आप 2024 में किस मुद्दों के नाम पे वोट करना चाहेंगे? सर मेरा फर्स्ट मुद्दा रहेगा एजुकेशन, सेकंड मेरा रहेगा एजुकेशन के बाद जॉब और थर्ड रहेगा मेरा हेल्थ, मतलब जो मेडिकल की अगर मैं बात करूँ। पिछले 10 सालों में देखा जाए कि एक दशक से हमारे देश में एक ही सरकार रही है, तो इसमें आप पिछले 10 सालों को आप कैसा देख रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ है आपके हिसाब से कि नहीं? मैं देखो यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में जो थोड़ी सी सुधार हुई है, क्राइम रेट बहुत कम हुआ है। दूसरा, इन्होंने मेट्रो स्टेशन बहुत अच्छे करे हैं और रैपिड मेट्रो बनाई भी है यूपी में, आपने देखा भी होगा, जो आने वाले टाइम में मेरठ तक जाएगी भी, रोड्स भी बनी है। बट कंपैरिजन टू दिल्ली गवर्नमेंट अगर आप देखोगे ना, एजुकेशन में आज भी हमारा हाल वही है। दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वो अलग हैं वहाँ, क्योंकि आप देखो ना, मेरे यहाँ मुजफ्फरनगर में अगर कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि डॉक्टर नहीं संभाल पाते, वो रेफ़र कहाँ करते हैं? दिल्ली। क्यों कर रहे हैं वो दिल्ली रेफ़र, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट अलग है, यूपी गवर्नमेंट अलग है। तो क्यों ना यूपी के अंदर ही ऐसे कुछ मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल्स होने चाहिए कि इंसान की जान बच जाए, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स में भी अभी हुआ है लास्ट, कि उसने रेफ़र किया डॉक्टर ने, वो दिल्ली आता है तो इंसान ही ख़त्म हो गया। लेकिन पिछली सरकारों ने दावा किया है कि देश में 25 नए एम्स बने हैं और देश में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी व्यवस्था बढ़िया हुई है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? अगर ये बयान किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक रीजन की या एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की, कि कंपैरिजन टू दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के स्कूल्स अच्छे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है जो यूपी में नहीं है, जबकि अगर देखा जाए दिल्ली 5 साल पहले से ही डेवलप्ड है, यूपी 10 साल में इतना कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा ऊपर उठ के आया है दिल्ली को टक्कर देने के लिए, कि रोड्स में मेट्रो स्टेशन सिटी, मतलब मेट्रो सिटी सिटीज़ बनने लगी हैं, बैंकिंग सेक्टर हर जगह अवेलेबल हो रहा है, तो ग्रोथ हुई है, ऐसा नहीं है। 2024 में कौन, एनडीए या इंडिया? यार देखो, ना मैं एनडीए को जानता हूँ ना मैं इंडिया को जानता हूँ, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए अभी जो प्रॉमिस कर रहा है उनकी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे भाई, क्या पॉलिसीज़ हैं, कौन क्या करने के लिए बोल रहा है, कि तब उसके बेस पे मैं तो वोट दूंगा। मैं ऐसे कोई वोट नहीं दूंगा धर्म के बेस पे यार, मैं पॉलिसीज़ पढ़ूंगा उसके बाद वोट दूंगा, क्योंकि वी आर एजुकेटेड। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात की गई है, उसमें एक गारंटी ये भी है कि महिलाओं को 50% आरक्षण और बेरोजगार युवाओं, 25 साल से कम बेरोजगार युवाओं को साल में कुछ पैसे देने की बात कही, इससे आपके पे वो भिखारी थोड़े ही हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यार, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें रोजगार दो, भीख नहीं चाहिए, भीख तो अनपढ़ आदमी मांग लेता है, तो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ना, मतलब एक जॉब का वर्टिकल्स बनाओ, इतना यहाँ पे मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज बनाओ या कुछ भी जॉब इसको स्केल अप करो ना उसको, कि यहाँ पे जॉब की नीड हो लोगों को, कि जॉब मिले, वो क्यों बाहर भागेंगे, मैं क्यों बाहर जाऊँगा, मैं यहीं करूँगा अच्छे से अगर मुझे मिलेगा, और मैं क्यों नोएडा में आया हूँ यार, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, मुझे वहाँ जॉब मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए ना गवर्नमेंट में।
2014 में जब सरकार सत्ता में पहली बार भाजपा की आई, उन्होंने एक वादा किया था देश की जनता से कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इनका भी वादा देखिए, मैं कहता हूँ मुझे तो कहीं नहीं दिखा 2 करोड़ लोगों को कहाँ रोजगार मिला और कहाँ नहीं मिला, क्योंकि किसी भी आप देख लो ना कहीं भी आपको बायोडाटा कोई नहीं सही होता है। इनका सर्वे का डेटा ठीक नहीं है तो ये डेटा कहाँ सही होगा? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, कहाँ है 2 करोड़ लोग? 3 बार तो यार मतलब ऐसे तो हमारे साथ भी हो चुका, 2 बार तो भर्ती हम भी दे चुके, दोनों बार कैंसिल हो गई यूपी पुलिस की। एज निकलती जा रही है, साला पेपर पेंसिल होते जा रहे हैं, तो नौकरी है कहाँ? पेपर लीक के मामले पे क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर लीक के मामले में देखिए, पेपर ना तो मैंने लीक करा है ना योगी जी ने लीक करा है। हम तो पेपर देने गए थे, अगले दिन आगे आंसर की मिलाई तो देखा कि हाँ चांसेस तो हैं, सुबह कोर्ट के देखा पेपर ही लीक हो गया, तो हम पे तो जोर पड़ा ना। इस पे कोई कड़ा कानून बनना चाहिए कि नहीं? कानून बनना चाहिए, इनको तभी के तभी ये कर देना चाहिए ना इसमें कि यार सरकार है, इतने लोग एजुकेशन लेवल में काम कर रहे हैं, वही एग्ज़ाम को वो 10 दिन बाद अगर चाहें तो करा सकते हैं, क्यों नहीं पॉसिबल है? आप दोबारा से री एग्ज़ाम कराओ, और री एग्ज़ाम ऐसा कराओ कि फिर फिक्सिंग ना हो उसमें। मुजफ्फरनगर एक गन्ना बेल्ट के रूप में जाना जाता है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े नेता भी हुए हैं आपके, तो किसानों के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने मुजफ्फरनगर के दंगे भी हुए हैं और रैलियां भी हुई हैं, किसान आंदोलन भी हुए, इसमें आपका क्या सुझाव है किसान MSP के ऊपर? यार देखिए MSP को लेके ना अभी हमारी साइड का जो किसान है ना वो इतना अवेयर नहीं है। मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, अभी MSP को लेके इधर हमारी साइड का किसान जो है वो अवेयर नहीं है, ना इतना भी किसी को उस लेवल का पता है, तो ये इस टॉपिक पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा। हाँ मुजफ्फरनगर जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा है, चीज़ें ग्रोथ में आने लगी हैं और आने वाले टाइम में आएंगी। बस यही है यूपी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, अगर जो भी गवर्नमेंट आए भाई थोड़ा सा एजुकेशन लेवल सही कर लो, थोड़ा सा मेडिकल लोगों की जान बचा लो, वो दिल्ली ना जाएं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आपका नाम क्या है? रोशन। कैसे हैं आप सर? फिलहाल तो ठीक है सर। 2024 में आपका क्या राय है, किसको आप चुनना पसंद करेंगे? सर हम किसको चुनना पसंद करेंगे? तो कुछ जो डेवलपमेंट करेगा ग्रोथ करेगा उसको चुनना पसंद करेंगे, जो वादे देगा वो हो सके आगे जो काम भी दे, जो भाजपा ने पीछे वादे दिए हैं काम भी किया है, अच्छी रोड सर्विसेज भी अच्छी हो गई है। अब हम यहाँ से अगर जो मुजफ्फरनगर जाएँ तो 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, पहले हमें 5 घंटे लगते थे। EVM में लोग बोलते हैं कि EVM में गड़बड़ है, एक बार चुनाव बिना EVM के भी होना चाहिए, एक बार चुनाव बिना EVM के होना चाहिए। अब अगर देखो उसके बाद भी गवर्नमेंट बनती है ना तो आप बताओ क्या होगा फिर? जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसी टॉपिक पे तो लड़ती हैं कि भैया EVM इन्होंने हैक कर रखा है, अगर एक बार ये बिना EVM के इनकी सरकार, अगर देखो इन्होंने काम किया है तो ऑब्वियसली वोट तो मिलेगी भाई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इलेक्शन करा रहे हैं, जीतने के चांसेस हैं, EVM से कराएं या बिना EVM के कराएं, तो इन्हें एक बार बिना EVM के कराना चाहिए। अगर उसके बाद सरकार बन गई ना, अपोजिशन पार्टी ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं लाएगी कि EVM एक्ट है, समझो। जैसा कि 2024 में जब चुनाव सॉरी पिछले ही महीने में जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा बताया कि EVM 100% सिक्योर है और सेफ है, इसमें किसी भी अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ही हैक हुआ हुआ है, तो EVM की तो बात ही खत्म हो गई। देश में 97 करोड़ मतदाता हैं, तो कितना आपके हिसाब से ये कितना इजी होगा अगर बैलेट पेपर से अगर वोट कराया जाए? यार जब लोग अनपढ़ थे जब आसान था, आज पढ़े लिखे आज तो और आसान होगा बिना EVM के कराना। ठीक है, हम भी आपकी बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे ऊपर तक, शुक्रिया। सर आप बताएं। जी सर बताओ। कितना कुछ बदला है पिछले 10 सालों में? सर बदल तो बहुत कुछ गया, बहुत काफ़ी चेंजेस हैं। मैं भी बता रहा था कि हम अपने 1.5 घंटे में मुजफ्फरनगर पहुंच जाते हैं, लेकिन जेब में 350 रुपये और चाहें तेल से अलग, 2 टोल भी देने पड़ रहे, डेवलपमेंट तो हो गया, ये जो 2 टोल दे रहे पड़ रहे, सोचना पड़े कहाँ को निकलो, नहीं 5 घंटे उधर को लगे फिर पर को, अब बताओ कैसे करें। नितिन ये टोल भी 350-400 गए। नितिन गडकरी जी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर बढ़िया सड़कें चाहिए तो भाई टोल तो देना पड़ेगा, बस क्या तो यार गवर्नमेंट को देंगे ना, प्राइवेट सेक्टर वालों को देंगे कुछ, उसका टाइम भी तो होगा ना।
कि 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, ये तो लाइफ टाइम कैश बैक कर दिया उन्होंने। मतलब आपका ये कहना है कि इस पर एक कानून बनना चाहिए कि ताकि जब आपके एक अवधि पूरा हो जाए कि आपने जितना भी पैसा आपने लगाया है उतना निकल गया है तो टोल प्लाजा बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, एक टाइम आगे गवर्नमेंट वाला हो जाना चाहिए। एक टोल यार, तुम 25 रुपये का टोल भी ले लोगे क्या, थोड़ा है क्या गवर्नमेंट को? ये 100-100 रुपये टोल वसूल रहे हैं, 100-100 रुपये, 150-150 रुपये, तो दिक्कत है यार टोल वाले। तेल भी इतना महंगा हो रहा, बताओ कहाँ से क्या सो करें, यूँ बताओ घर जाने को भी सोचना पड़ रहा, माँ तड़प रही कब को आवेगा, अरे आऊँ कहाँ से। सरकार ने तो कहा था ना, एक नारा दिया था, बहुत हुई डीजल और पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार, इस पे आप क्या कहोगे? बस सर क्या बताएं, हम क्या कह सके, हम तो यह है चल रहा है, सही चल रहा है अपना, हम तो जो आपको बहाया वो बता दिया। अब गेहूँ काटने को 3 दिन से लेबर को ढूंढते फिर रहे, मिल नहीं रहा कोई, क्यों जब 25-30 किलो राशन घर में आ जा, लेबर ही नहीं मिल रही गेहूँ काटने को, 10 अप्रैल को दंती लग जाएगी, बताओ कहाँ से लाओगे लेबर। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर रही है, लिथियम से बन रहा है, लिथियम कहाँ से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है, जम्मू कश्मीर में ज़मीन किसने ली है, किसने ली है तो आप बता सकते हैं ना सर? अंबानी जी ने ली है, मुकेश अंबानी ने, वहाँ से लिथियम निकल रहा है। देन इसी रीजन से अगर आज की रेट में पेट्रोल के रेट कम कर देंगे तो लोग फिर से पेट्रोल के वाहन पर आ जाएंगे, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जा रहे हैं, वो एक प्रोपेगेंडा है वो पूरा। तो हम जानते हैं अपने अगले भी, और सर आपका नाम क्या है? माधव शरण झा। माधव जी, इन पिछले दस सालों में आपने इस देश में क्या कुछ बदलाव आया, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारी देश की जो बाहरी बॉर्डर है वो पूरा सुरक्षित है, अंदर हम लोग GST पेमेंट कर रहे हैं और इनकम टैक्स भी बढ़ गया है, 30% इनकम टैक्स हो गया है, पुराने नए में बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता है, बाकी मोदी जी शेर हैं। मोदी जी शेर हैं, 10 में से आप कितना नंबर देना चाहोगे सरकार को? मोदी जी को हम 10 में से 7 नंबर देंगे। 3 नंबर क्यों कम? 3 नंबर बहुत टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं ना, इसीलिए GST इनकम टैक्स ये सब बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इसीलिए काट रहे हैं हम। आप फिर भी पसंद कर रहे हैं उनको? मैंने क्या बोला, शेर हैं, प्रधानमंत्री शेर होना चाहिए। अच्छा हाँ, शेर तो जानवर भी होता है। अरे नहीं, जानवर नहीं, शेर का एक मतलब होता है, मीनिंग होता है, शेर मतलब फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ लीडरशिप, फुल ऑफ लीडरशिप। हाँ, आप कहते हैं देश चारों तरफ से सुरक्षित हो गया है, लेकिन अभी आज के 20 दिन पहले तक देश में सोनम वांगचुंग नाम का एक सोशल एक्टिविस्ट 20 दिन तक धरना दिया कि चीन का दखल लद्दाख में बढ़ चुका है, इस पर आपका क्या कहना है? इसका कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई सोर्स है इन्फॉर्मेशन का? कौन सा सोर्स है कि हमारा बॉर्डर कब्जा कर लिया चाइना ने? कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन बताइए, सोर्स बताइए उसका। 20 दिन तक अगर वो धरने पे बैठा रहा होगा तो कुछ तो बात रही होगी ना पूरी पब्लिक को लेके। केजरीवाल जी भी बैठ जाते धरने पे, अभी वो दिल्ली के सरकार है और वो रोड पे बैठे हुए हैं, उनकी सारी पार्टी या जो मेंबर है सब रोड पे बैठ जाते हैं। हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली पे? लद्दाख, दिल्ली सर, दिल्ली सुरक्षित होना चाहिए ना, सबसे मेन तो हमारा है दिल्ली के, दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है वही धरने पे है, वही जेल के अंदर है, वही जेल में है, पता ही नहीं चलता है। ये थी जनता की राय, आप देख रहे थे हमारा शो किस्सा कुर्सी का, और आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हम आपके पास हर खबर पहुँचाते रहिए, और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।